आज 21 जून विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी योग के महत्व को साझा करने और इसके लाभों को सामाजिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। योग का मतलब है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखना। इस अवसर पर डलहौजी उपमंडल प्रशासन, यूथ हॉस्टल डलहौजी और हिमालय नेचर क्लब डलहौजी द्वारा आयोजित योग शिविर में जम्मू यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी विभाग से आए 30 विद्यार्थियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के ओर से डॉक्टर नवदीप राठौर BM.O ने बतौर प्रशिक्षक सेवा देकर प्रतिभागियों को योग का महत्व समझाया और ध्यान योग करवाया। इस अवसर पर अनिल भारद्वाज, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में योग को एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसे अब विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। योग के माध्यम से हम स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखते हैं और शांति और सकारात्मकता को अपने जीवन में स्थापित करते हैं। इस कार्यक्रम का सफल संचालन देवेंद्र शर्मा, मैनेजर यूथ हॉस्टल, गौरव कोहली, प्रिंसिपल सेंट फ्रांसिस किंडरगार्टन स्कूल और कुणाल जोशी, प्रोग्राम डायरेक्टर हिमालय नेचर क्लब ने किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर हेमा गंडोत्रा, यूथ कोऑर्डिनेटर, नेशनल सर्विस स्कीम जम्मू ने सभी का धन्यवाद किया। वेलकम टू डलहौजी। थैंक यू सर। एडवाइजिंग स्टेट एंड यू मस्ट बी नोइंग टुडे इंटरनेशनल योगा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी इन JNK। आज जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए और ये इंटरनेशनल योगा डे हमारे साथ मनाया, इसके लिए इंटरनेशनल योगा डे की आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डलहौजी आगमन पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जो कुछ भी डॉक्टर साहब ने कहा, आई होप आपने उसको आत्मसात किया होगा। जैसे लेक्चर देते हैं उसके बाद कहते हैं कि इसको ब्रीफ में कि इसका सार क्या निकला, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा व्हाट इज टेक अवे। तो योगा का जो अर्थ होता है, जो हिंदी में जो योग का हम शब्द लेते हैं उसको मतलब है जोड़ना, टू ऐड, ठीक है। जोड़ना किसको है? माइंड को बॉडी के साथ, ठीक है। असल में योगा का संस्कृत में अगर हम लें, जितनी भी बातें यहाँ पर बताई गई अगर मैं उसको समराइज करूँ तो वो योग की जो डेफिनेशन है ना उसी में आ जाए। आपको सुख होता है, दुख होता है, एंगर आता है, एंजाइटी आती है, उसका ओरिजिन क्या है? इधर माइंड और हार्ट, क्योंकि मेरे को दिल से अच्छा नहीं लगता किसी आदमी की शक्ल, वो बेचारा अच्छा बना जाएंगे आपको पता नहीं क्यों वो अच्छा नहीं लगता। वाय आपका थॉट प्रोसेस है ना उस तरह, किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता है, किसी को आमिर खान अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को अक्षय कुमार अच्छा लगता है। वाय दे आर ऑल गुड, बट इंडिविजुअल ओपिनियंस है, ठीक है। लगता है वो औरों के साथ नहीं करना चाहिए, ये क्राइस्ट ने कहा, ठीक है। यू लव योर नेबर्स एज यू लव योरसेल्फ, हर किसी से प्यार, हर किसी में आप रब को देखोगे, अल्लाह को देखोगे, ईश्वर को देखोगे तो आप उससे नफरत कैसे करोगे? एवरी जितना भी यहाँ एलिमेंट्स देख रहे हो ना, दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, ऐसा हम मानते हैं। एक कोई स्पिरिचुअल बीइंग है, मैं उसको भगवान बोलूँगा, आप अल्लाह बोलोगे, कोई रब बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, ठीक है। बट वो हम ऐसा मानते हैं कि वो एक अलग अलग से नहीं हो सकते, दे आर नॉट डिफरेंट, दैट इज वन सिंगल एंटिटी। उसने ये सब कुछ बनाया, वही हमारे अंदर, ये जो मेरे अंदर से आवाज आ रही है बिकॉज ऑफ इट, जो आत्म तत्व बोलते हैं ना, ये जब क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शव बन जाता है, शिव शव। जो हम अगर मैं अपने उसमें चला जाऊँ तो बॉडी में जो प्राण तत्व है ना, वो उस ईश्वर की कृपा, तो वो सब में एक जैसा है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई अलग से लाइफ है, मेरे अंदर कोई अलग से लाइफ है, किसी और के अंदर अलग से लाइफ। कुत्ते खेल रहे थे उनके अंदर भी वही लाइफ है, घोड़े चढ़ रहे थे उनके अंदर भी वही लाइफ है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एलिमेंट, दैट लाइफ एलिमेंट इन एवरीथिंग, इन एवरी ह्यूमन बींग, इन नेचर, जो पेड़ पौधे हैं सब, ये सब चीज़ें जब अगर हमारे अंदर आ गई तो वी आर एट ईज विद आवर सेल्फ, हम फकीर बन गए, हम योगी बन गए। और यही इस योगा का जो है एक सिंपल सा सार है, अपने मन की जो
जो इच्छाएं उठती हैं, जो थॉट्स उठते हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको कंट्रोल करना। विद दिस आई कंक्लूड और वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल द टीचर्स, हाफ मेंबर्स ऑफ योर सोशियोलॉजी के हैं आप, तो सोशियोलॉजी तो वैसे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी में आई थिंक एक रिलीजन की उत्पत्ति का भी एक हाउ रिलीजन कैसे ओरिजिन हुआ रिलीजन का। तो आई डिड माई सिविल सर्विसेज विद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। तो